गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर विद्युत चुंबक की तरंगे और उसका जो चैप्टर है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर वन, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, उसके कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे कि किसी पदार्थ की पहचान हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके किस तरह से कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उस पदार्थ के परमाणुओं के बीच में उपस्थित बंध का अध्ययन करके और क्रियात्मक समूह का अध्ययन करके हम पदार्थ की पहचान करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम टोटल 11 कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं एस्टर। तो एस्टर की संरचना किस तरह की होती है, पहले हम ये देखते हैं। ये हमारा एस्टर है, इसमें हम देखिए पीले रंग से मैंने सी डबल बॉन्ड ओ बंध को बताया है और गुलाबी रंग से मैंने कार्बन ऑक्सीजन कार्बन वाले बंध को बताया है, जिसमें अगर हम कहें तो एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सिंगल बंध इस तरह होता है। ये वाला जो हमारा है वो तो हो गया कार्बोनिल ग्रुप, और इस वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा ईथर टाइप से, क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन, तो दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया ना, तो ये हो गया हमारा ईथर और इधर वाला हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप, दोनों मिला के हमारा हो जाएगा एस्टर। तो एस्टर में अगर हम लें और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका अध्ययन करें तो हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रा में जो अवशोषण बैंड है या अवशोषण की पीक है वो कितने सेंटीमीटर की घात -1 पर प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि हमें पीक कहाँ प्राप्त होती है। इसमें हम देखिए एक तो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बंद ओ, वो तो आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1715 से 1740 के बीच में आता है। तो आप यहाँ एस्टर का जो कार्बोनिल, जो सिंपल कीटोनिक ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप है वो 1715 से 1720 तक रह जाता है, लेकिन जो एस्टर वाला कार्बोनिल ग्रुप है वो 1742 1745 1750 तक आता है। दूसरी चीज़ अगर हम इस ईथर वाले ऑक्सीजन कार्बन बंध की बात करें तो ये ईथर वाला जो ऑक्सीजन कार्बन, ईथर में हम क्या लिखते हैं कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन, यहाँ पे भी ऐसा है कार्बन है ऑक्सीजन है फिर कार्बन है। तो इस वाला जो गुलाबी रंग वाला ऑक्सीजन है इसके लिए हमें जो पीक प्राप्त होती है वो 1150 के आजू बाजू में प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जब हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका पूरा ग्राफ लिया है तो पीक हमें कहाँ मिली है ना। हम देखते हैं ये नीचे ग्राफ है, देखिए इसमें कार्बोनिल ग्रुप वाली पीक को जो मैंने ऊपर पीले रंग से बताया है तो उसके अवशोषण पीक को भी मैंने यहाँ पीले रंग से बताया है, और ये जो साइड में ऑक्सीजन है जिसको हम ईथर कह रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन वाला बंध, ये जिसको मैंने गुलाबी रंग से बताया है इसकी पीक भी मैंने यहाँ गुलाबी रंग से ही बताई है। अब आप ये देखिए कि ये पीक कहाँ आ रही हैं। कार्बोनिल वाली जो पीक है वो 1742-45-50 इसके आजू बाजू में रहती है, यानी 1742 आप मान सकते हैं कार्बोनिल वाली वो पीक जो कि एस्टर वाले में हो। सिंपल कार्बोनिल की तो 1715 पे आएगी, लेकिन वो कार्बोनिल पीक जो एस्टर ग्रुप का कार्बोनिल है उसकी 1742-1745-1750 तक आएगी। और यहाँ जो एस्टर वाला ऑक्सीजन है जो इथर बंद की तरह ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये लगभग 1150 पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ की जो वैल्यू है वो यहाँ दी गई है और कलर मैंने यहाँ शो किया है, तो कलर से कलर मैच करा के आप ये देख सकते हैं कि किस क्रियात्मक समूह की पीक कहाँ आ रही है, येलो वाले की येलो पे और पिंक वाले की पिंक में, ये देखिए है ना। तो ये जो पीली वाली पीक है ये आई है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, किसके लिए कार्बोनिल, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप ईथर वाला कार्बोनिल ग्रुप है, और ये जो गुलाबी वाली पीक है ये एस्टर वाले में सी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन वाले बंध के लिए आई है ना। ये
एस्टर का एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया, होपफुली आपने पुराने जो हमने 10-11 एग्जांपल किए हैं वो अच्छे से देखे हैं होंगे। आपको उसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि कार्बोनिल ग्रुप जो अभी हमने एग्जांपल किया आया है एस्टर का, उससे काफ़ी मिलता जुलता एग्जांपल है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चीज़ कॉमन है जो कि एस्टर में भी थी। एक तो ये कार्बोनिल वाला C(OH), ये एस्टर में भी था। एक ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये भी एस्टर में था। लेकिन एस्टर में इस ऑक्सीजन के बाद क्या था, एल्किल समूह था, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। एस्टर में तो हम क्या देख रहे थे, एस्टर में हम ये देख रहे थे कि इस ऑक्सीजन के बाद में एल्किल ग्रुप है, लेकिन यहाँ इस ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी पिक प्राप्त होगी, कार्बोनिल ग्रुप के लिए तो वो 1700 के आस पड़ोस में C(OH) के लिए, लेकिन यहाँ जो ईथर वाले में हमें 1100 के आजू बाजू में पीक प्राप्त हो रही थी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में 1100 पे पीक प्राप्त नहीं होगी। कारण कि यहाँ ऑक्सीजन के बाद मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन है, और एस्टर में ऑक्सीजन के बाद क्या था, एस्टर में ऑक्सीजन के बाद एल्किल समूह था, तो यहाँ हाइड्रोजन है। इसके कारण ईथर वाली पीक यहाँ नहीं आएगी, जो कि एस्टर में तो आती है, लेकिन यहाँ नहीं आएगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कौन सा प्रदर्शित करता है, ये देखिए आप, इसमें ऑक्सीजन के साथ में क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध है, ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यानी तनन कंपन शो करता है, और इसके तनन कंपन के कारण एक ब्रॉड पीक आती है। ब्रॉड पीक यानी बड़ी साइज की चौड़ी पीक, कितने पे आती है, 2400 से 3500 सेंटीमीटर की घात -1 पे आती है। अभी मैं आपको इस पीक को ग्राफ मैं बताऊंगा, नहीं आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तीन पीक है, C(OH) कार्बोनिल ग्रुप के लिए अलग पीक है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बंद के लिए अलग पीक है थोड़ी एक्स्ट्रा टाइप से, और OH वाली पीक अलग है। OH वाली पीक में जो हाइड्रोजन के तनन कंपन यानी स्ट्रेचिंग के कारण पीक है वो आएगी। ये पीक कार्बोक्सिलिक, इस OH वाली पीक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को पहचानने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप यहाँ देखिए ये तीन पीक आई हैं, और तीनों को मैंने वही कलर दिए हैं जो कि कंपाउंड में दे रखे हैं। जैसे ये हमारी जो 1700 के आजू बाजू में ये कौन सी पीक हो गई, ये पीक हो गई कार्बोनिल ग्रुप की, किसकी, कार्बोनिल ग्रुप C(OH) की। इससे पहले जो 1100 पे पीक है ये कौन सी पीक है, कार्बन और ऑक्सीजन बंद, कार्बन ऑक्सीजन बंद भी तो है इसमें, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बंद है वो यहाँ आया है, और कार्बन और दूसरी वाली ऑक्सीजन के बीच जो डबल बंद है वो पीली पीक में यहाँ आया है। अब ये जो इतनी बड़ी पीक आपको दिखाई दे रही है नीले रंग की, ये पीक कौन सी है, ये जो इतनी बड़ी और काफ़ी चौड़ी जिसको हम कहते हैं ब्रॉड पीक जो हमें मिल रही है, वो हमें मिल रही है हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन के कारण कैसे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बंद है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है उसमें स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी यानी तनन कंपन पाए जाएंगे। उस तनन कंपन के कारण हमें 2200 से लेकर 3400 के बीच में, देखिए इतनी बड़ी और चौड़ी पीक हमें प्राप्त हुई है। ये जो पीक है ये किसके लिए आई है, OH ग्रुप के लिए। OH ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है उसके तनन कंपन के लिए पीक आई है। ये पीक पहचान है कार्बोक्सिलिक और ग्रुप की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, है ना जी। अब आप नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, इससे पहले हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा देखते हैं, है ना ठीक है। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखें, ये एग्जांपल आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी मिलेगा, COOH, इसके एग्जांपल के रूप में आप इस डायग्राम को भी और बढ़ा सकते हो, और ये ब्रॉड पीक आती है इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना जी। ओके, अब ऐसा ही हम एक नया एग्जांपल है देखते, एसिड एनहाइड्राइड का। एसिड एनहाइड्राइड के एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के एग्जांपल में हम देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से किस प्रकार से हमें, एक तो C(OH) कार्बोक्सिलिक में भी था, इसमें भी है C(OH), वहाँ भी था इसमें भी है, लेकिन इसमें दो C(OH) है, कार्बन ऑक्सीजन बंद इसमें भी था और
कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले में भी कार्बन ऑक्सीजन बंद था, और एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड में भी कार्बन ऑक्सीजन बंद है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद था वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद इसमें नहीं है। यानी वहाँ जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सिंगल बंद के कारण तनन कंपन या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 2500 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच आई थी चौड़ी पीक, वो चौड़ी पीक यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जब हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद के बीच में तनन कंपन भी नहीं पाया जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए दोनों कार्बोनिल ग्रुप इसमें से मैं तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप के लिए एक पीक आ जाएगी, और कार्बन ऑक्सीजन बंद भी सेम है तो उसके लिए भी एक पीक आ जाएगी। तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, पहले हम देखते हैं कि देखिए ये जो गुलाबी पीक है जो कि 1100 के आसपास आई, ये कार्बन ऑक्सीजन बंद के लिए है, जो लगभग ईथर में आती है 1050 पे, लेकिन ये एस्टर है लेकिन है तो कार्बन ऑक्सीजन बंद, तो इस पर 1100 पे आएगी। अब यहाँ आप ये देखिए कि 1700 से 1800 के बीच में डबलेट आया है। अब ये डबलेट क्यों आया है, देखिए दो कार्बोनिल है ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप की भी 1700 के आजू बाजू में आनी चाहिए और दूसरी कार्बोनिल ग्रुप की भी 1700 के आजू बाजू में आनी चाहिए। अब ये जो दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी वो मैच करेगी, मैच करने के बाद में इनमें संयुग्मन होगा, संयुग्मन होने के कारण एक कंपन की तो थोड़ी कम हो जाएगी और एक अवशोषण बैंड की थोड़ी कम हो जाएगी और एक अवशोषण बैंड की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, एक की 1740 और एक की 1840, देखिए ये और ये वैसे तो आनी चाहिए, वैसे तो इसकी कम पे पीक आनी चाहिए थी, लेकिन कम पे पीक नहीं आई है ना, और ये दोनों मिलके एक पीक हो गई कम पे और एक पीक हो गई ज़्यादा पे, दोनों पीकों के संयुग्मन के कारण। किन दोनों पीकों के संयुग्मन के कारण, एक इस कार्बोनिल ग्रुप की पीक और इस कार्बोनिल ग्रुप की पीक, दोनों की पीक जो अवशोषण बैंड थे उन्होंने आपस में संयुग्मन किया और संयुग्मन करके दो नए बैंड दिए, जिसमें एक की तो थोड़ी सी बढ़ गई और एक की थोड़ी सी कम हो गई, तो दो पीक हो गई। तो दो पीक होने के कारण हमें ये ध्यान से देखिए, यहाँ डबलेट प्राप्त हुआ है, देखिए एक ये है और एक ये है, एक साथ हैं लेकिन दो पीक हैं, एक पीक नहीं है, एक कार्बोनिल ग्रुप होता तो एक पीक आती है। तो एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल आपके अवशोषण बैंड संयुग्मन में भी आप काम में ले सकते हैं, या जहाँ कपलिंग की बात हो कि दो अवशोषण बैंड में कैसे कपलिंग हुई, कैसे संयुग्मन हुआ, वहाँ हम इस एनहाइड्राइड वाले एग्जाम्पल को लेके वहाँ भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड में क्या खास बात है, देखिए एसिड हैलाइड में भी वही कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन कार्बोनिल ग्रुप एक है, तो किसी भी प्रकार का संयुग्मन नहीं आएगा और हमें डबलेट एंड दो पीक प्राप्त नहीं होंगी। जब कार्बोनिल ग्रुप एक है तो हमें पीक भी एक ही प्राप्त होगी, लेकिन इसमें वो कार्बन ऑक्सीजन बंद नहीं है यहाँ, तो कार्बन ऑक्सीजन बंद नहीं है तो 1100 पे जो बंद प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, इसके स्थान पर हमारे पास ये क्लोरीन है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का क्या हुआ। कार्बोनिल ग्रुप की 1715 से 1750 के बीच में आती है, लेकिन क्योंकि इस कार्बन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो क्लोरीन जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन भी जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और उस ऑक्सीजन पे दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। कार्बन खींचने के कारण सी डबल बॉन्ड ओ में जो द्विबंद वाले गुण थे वो पार्शली त्रिबंद वाले गुण में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंद बनाने में योगदान देगा। तो पूरी तरह तो ये ट्रिपल बंद में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन डबल बंद से ज़्यादा इसके गुण बढ़ जाएंगे, और ये जैसे हम ढाई बंद कह सकते हैं 2.5, तो डबल बंद और ट्रिपल बंद के बीच के गुण इसमें आ जाएंगे, इसलिए ये पीक 1750 से बढ़ जाएगी और 1800 तक में पहुंच जाएगी, है ना जी। सेकंड चीज़, जब हैलोजन जुड़ा हुआ है और हैलोजन जुड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींच के इसकी फ्रिक्वेंसी लोवो बैंड पे आएगी 800 सेंटीमीटर इनवर्स पे। आप देखिए या देखिए, ओनली क्लोरीन इज लाइट इनफ टू हैव ए बैंड ऑन आईआर,
कार्बन क्लोरीन का जो बंद है गुलाबी वाला वो कितने पे आता है, वो 600 से 800 सेंटीमीटर। तो क्यों इतना कम क्यों आता है, क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता इतनी ज़्यादा है कि वो कार्बन क्लोरीन के जो बंद वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्लोरीन आंशिक रूप से क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो इसमें सिंगल बंद से भी गुण कम हो जाते हैं। देखिए कार्बन ऑक्सीजन बंद है उसमें डबल बंद है, लेकिन ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आने से डबल बंद से गुण बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, ट्रिपल बंद की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कार्बन और क्लोरीन वाला बंद है वो तो सिंगल बंद से भी कमज़ोर हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने इस बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लिए हैं और क्लोरीन माइनस बना लिया है, इसीलिए कार्बन क्लोरीन बंद तो और भी कम पे आएगा हमारे पास। जो 1000 के आजू बाजू में आना चाहिए था वो 800 सेंटीमीटर की घात माइनस वन पे ही आएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ देखते हैं, ये देखिए सिंगल पीक आई है 1800 पे, ये किसकी है, सी डबल बंद ओ की पीक है ये, ठीक है। और ये जो दूसरी पीक आ रही है हमारे पास लगभग 900 पे, ये कौन सी पीक है, 900 पे जो गुलाबी रंग की पीक हमारे पास आ रही है ये कौन सी पीक आ रही है, 900 पे जो हमारे पास गुलाबी रंग की पीक आई है ये पीक कार्बन और क्लोरीन के लिए आई है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन में अब सिंगल बंद वाले गुण भी नहीं है, इसमें तो आयनिक गुण आ गए हैं, ठीक है। ऐसे ही एमाइड, अब एमाइड का एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, और ये देखिए एमाइड का एग्जांपल हम लेते हैं। एमाइड में एक तो है सी डबल बंड ओ कार्बोनिल ग्रुप, वही 1700 के आसपास। एक यहाँ एमीन है, अब एमीन में आप देखिए क्या, एमीन में नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है। जैसे पहले हम कार्बोक्सिल ग्रुप में देख रहे थे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बंद था उस सिंगल बंद में तनन कंपन के कारण 2200 से लेकर 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ब्रॉड चौड़ी पीक आई थी। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बंद है उस सिंगल बंद के तनन कंपन या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के कारण यहाँ भी हमें एक ब्रॉड बैंड पीक प्राप्त होगी 3200 से 3400 पे, ठीक है। लेकिन वो पीक किस तरह की होगी, देखिए मैंने आपको बताया था प्राइमरी अमीन है जिसमें कि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है तो दो पीक आएगी, सेकेंडरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन होता है तो एक पीक आती है, टर्शियरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो फिर इसकी कोई पीक भी नहीं आती है। तो यहाँ इस अमीन में एमाइड के अंदर जो अमीन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो पीक भी दो ही आएंगी। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप के लिए पीक 1650 से 1850 पे क्यों कम क्यों हुई, क्योंकि क्योंकि एमीन के नाइट्रोजन पे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म था वो गया कार्बन की तरफ, तो कार्बन ने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ को कम आकर्षित किया, कम आकर्षित किया तो द्विबंध के गुणों में कमी आई, द्विबंध के गुणों में कमी आई तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच जो 1715 पे या 1720 पे ऑक्सीजन बैंड प्राप्त होना था वो 50-60 अंक कम होके 1740 या 1650 के आजू बाजू में होता है, ठीक है। एमीन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद होता है उसमें तनन कंपन पाया जाता है, तो उस तनन कंपन के लिए आपको तनन कंपन की जो में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बंकन कंपन से ज़्यादा होती है, मैंने पहले आपको बताया था। तो ये 3200 से 3500 पे आएगा। अब 3200 से 3500 के बीच कितनी पीक आएंगी, नाइट्रोजन के ऊपर आप ध्यान से देखिए नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें कितने, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो दो पीक आएंगी। अब हम देखते हैं इसके लाइव एग्जाम्पल को देखते हैं, ये देखिए 1700 पे हमारे पास में ये पीक आ रही है, ये 1650 पे जो पीक आई है ये किसके लिए है, ये सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप के लिए, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के लिए तो 1750 पे आती है, 1650 पे क्यों आई, क्योंकि इसके पड़ोस में एमिन ग्रुप है, एमिन ग्रुप पर नाइट्रोजन है जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन नाइट्रोजन बंद में दे देता है, तो कार्बन के पास जब नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो ओ डबल बंद था उसके इलेक्ट्रॉनों को क्यों लेगा, कम लेगा, कम लेगा तो वहाँ डबल बंद के गुण कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो 1750 से वो पीक आ जाएगी हमारी 1650 पे। और यहाँ देखिए 3200 से 3500 पे हमें ये पीक प्राप्त हो रही है जिसमें एक पीक नहीं है, दो पीक हैं, दो पीक क्यों हैं, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के भी जो सिंगल बंद है उसकी स्ट्रेचिंग है तनन कंपन के कारण है, तो दो क्यों हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये
बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिसको हम एमिन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कोई किसी कंपाउंड में एमिन ग्रुप है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में ले सकते हैं। और उसमें भी हम स्पेशली ये देखने के लिए काम में ले सकते हैं कि कौन सा एमिन है, प्राइमरी एमिन है, सेकेंडरी एमिन है, टर्शियरी एमिन है। प्राइमरी एमिन होगा तो 3200 से 3500 के बीच में दो पीक आएंगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है। सेकेंडरी एमिन होगा तो 3200 से 3500 के बीच एक पीक आएगी क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है। और टर्शियरी एमिन में कोई पीक आएगी ही नहीं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं टर्शियरी एमिन में। ये एग्जांपल आप लोगों को आया समझ में? अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे 4-5 एग्जांपल और बचे हुए हैं, जैसे कि ये नाइट्रो है ग्रुप, उसके बाद नाइट्राइल है ग्रुप, नाइट्राइल के बाद ये एक लाइव एग्जांपल है जिसमें हमने एलिफेटिक हाइड्रोजन, नाइट्राइल ग्रुप एरोमेटिक है या नहीं है, उस सबको स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। आप इन एग्जांपल्स को, उनकी पिक को अच्छी तरह से याद कीजिए, और जहां आपको समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके प्रोवाइड करवा दिए हैं। बुक में से भी अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है या जो क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको 24 आवर्स में उसका रिप्लाई दे दूंगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू।